सोमवार को राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना द्वारा कन्नौज में प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि हमारे देश के सुप्रसिद्ध पहलवान पिछले कई दिनों से यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलनरत है। उनकी यह मांग पूर्णतः न्याय संगत है। महिला पहलवानों द्वारा जो यौन शोषण के आरोप लगाए, जो बेहद ही गंभीर है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान के बाद ब्रजभूषण सिंह पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज की गई है, लेकिन आज दिनांक तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना से जाट समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। हमारा जाट समाज, जिसके नाम से भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट भी है, जिसके नाम से सीमा पार दुश्मन भी कांपने लग जाते हैं। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। पहलवानों के साथ जो अत्याचार किया गया है, ब्रजभूषण सिंह के ने जो अत्याचार किया है, उसके विषय में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। 3 महीने से करीब करीब हमारे पहलवान आंदोलनरत हैं, जो दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी हमारे पहलवान लोग बैठे हुए हैं। उनकी आज तक कोई भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, उसके लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। आपका नाम और पद? मेरा नाम रामदीन सेवलिया, ग्राम दावठा में तेजवीर सेना का यात्रा प्रभारी हूँ। किस किस क्षेत्र से यहाँ आपके साथ समर्थन में पधारे हैं आज? हमारे कन्नौज, खातेगांव और सतवास और बागली सभी क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, और ये ज्ञापन हमने तहसीलदार महोदय को, SDM महोदय के नाम से हमने ज्ञापन दिया है। और अगर यदि ये सुनवाई नहीं होती है तो हम और भी बड़ा आंदोलन करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।